लखीमपुर के जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में ऑक्सीजन का रिसाव हो रहा है। आपको बता दें कि ऑक्सीजन प्लांट से लेकर पाइपलाइन और डिस्चार्ज ऑक्सीजन पॉइंट की व्यवस्था ठीक नहीं है। बताया जा रहा है कि इसका ठेका प्रदेश की जानी मानी पुष्पा सेल्स कंपनी के पास ही है, जो 3 लाख रुपए हर साल मेंटेनेंस के नाम पर लेती है। हम लोगों ने पुष्पा सेल्स को लिखा है, क्योंकि पुष्पा सेल्स को अनुबंध की शर्तों के अनुसार, जैसा कि हमारी एमसी है लगातार 5 साल तक, उनको हम 3,25,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से उनको देंगे। और ये अनुबंध जो है उच्च स्तर पर हमारे डीजी महोदय और शासन के बीच हुआ है। तो हम लोगों ने उनको पत्र लिखा है कि आपका जो प्लांट है, इसमें जब साकेट लगाए जा रहे हैं, साकेट से हल्की सी गैस का रिसाव है, कृपया इसको देखें और बदलने लायक हो तो इसको बदलें। वहीं अस्पताल अधिकारी ने इसकी जानकारी कई क्षेत्रों के अधिकारियों को दी है, लेकिन किसी ने भी अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। और ऐसा ही रहा तो लखीमपुर खीरी में भी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज जैसे हालात हो सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखीमपुर से शारिक खान की रिपोर्ट।